के शर्मा, अमित शाह कह रहे थे 128, उनका आंकड़ा जो है हर चुनाव से पहले वो एक अपना असेसमेंट देते हैं, उनका 128 का है। आज येदियुरप्पा जी ने 135 कह दिया है, आपका आंकड़ा क्या है? कौन सा वाले के साथ आप जा रहे हैं के शर्मा? नहीं, मानक जी, वहाँ निश्चित जो जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ है और जिस ढंग से कर्नाटक की जनता का जो जन समर्थन देखने को वहाँ पर मिला है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के आप रोड शो में देख लें या अमित भाई के देख लें या सभाओं में देख लें या जिस तरह से मुद्दे वहाँ पर डेवलप हुए, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि हम वहाँ पर अपनी बहुमत से अधिक जाकर जो है सरकार वहाँ पर बना रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था, सभी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं आपके चैनल में, संजय जी ने भी बताया सारी बातें कि वहाँ क्या है। संजय जी का भी मैंने वो देखा है, CSDS का जो सर्वे है, और शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 28 अप्रैल तक का उनका सर्वे था और उसके मेरे पास कागज हैं यहाँ पर, मैं बता सकता हूँ। और अभी संजीव जी भी बता रहे थे कि उनका भी आकलन 30 अप्रैल तक का है, वो 25 से 30 तक के बीच की जो गति थी वो उन्होंने देखा, 30 के बाद शायद वो नहीं देख पाए होंगे वहाँ की स्थिति को, या ध्यान नहीं दिए होंगे या ध्यान नहीं देना चाहे होंगे, तो 30 के बाद का तो उनका भी आकलन नहीं है। 29 तारीख से प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, 28 और 29 से जो अभी लगातार प्रचार हुआ है, और उसके बाद वहाँ यदि कहें तो गंगा में बहुत सा पानी जैसे बहता है वैसे ही बहा है। उसी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी पर अपशब्द की बात आई है, उसी के बाद जो कांग्रेसी नेताओं ने दिए, उसी के बाद कांग्रेस का वो असली चेहरा जनता के बीच आया है कि किस ढंग से उनका एक हिंदू विरोधी चेहरा वहाँ स्पष्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो उसके बाद हुई है, क्योंकि घोषणा पत्र उसके बाद इन्होंने जहाँ लिखित रूप से इन्होंने अपनी बातें कही हैं, तो ये सारे विषय अभी आए हैं, उसका आकलन नहीं है। अच्छी बात है उन्होंने स्पष्टता से कहा कि भाई उसके बाद का हम पिछले आने वाले 10 दिन, जो पिछले 10 दिन है उसका आकलन हम लोगों ने नहीं किया। एक बात और आई कि माननीय प्रधानमंत्री की जी के जाने के बाद क्या इफेक्ट्स होता है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह संजय जी बैठे हैं, उन्हीं का CSDS का यह सर्वे है और यही सर्वे अभी जो जारी किया उसमें उन्होंने एक बात बताई है कि गुजरात की जीत में मोदी फैक्टर ने कब कब काम किया। तो उसमें वो बताते हैं कि आखिरी 48 घंटे में 55% वोटरों ने अपनी टर्निंग चेंज की। प्रचार के दौरान जो है यानी 17% लोगों ने चेंज किया था, वो 46 बनता था। मतलब ये पूरा उनका आंकड़ा, मतलब मोदी जी के आने के बाद चुनाव कैसे चेंज होता है, ये एक उनका सर्वे है जो उन्हीं के माध्यम से संजय जी और स्पष्ट भी कर देंगे। पर गुजरात तो मोदी जी का होम स्टेट है ना के शर्मा, गुजरात का उदाहरण मत दीजिए भाई। कर्नाटक तो जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं वो मेरा होम स्टेट है। ये इफेक्ट और भी बताता हूं। ना, आप सुन लीजिए, आप मैं भी बताता हूं, अभी उसकी भी चर्चा आई। उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड में हमने जब रिपीट किया वहां पर, कोई मानने को तैयार था क्या कि उत्तराखंड में आप जो है जीत जाएंगे चुनाव? तो ये चीज़ें जो है, मैं अब उस बहस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे बहुत सारे उदाहरण सुनाने पड़ेंगे, तो खैर वो सब विषय नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज वहां पर कांग्रेस की हार, जो हार हमें दिखती है उसका कारण हम आपको बताना चाहते हैं मोटे तौर पे। मानक जी, कांग्रेस यदि अपने मुद्दे पर टिकी होती तो हम समझते कि मुद्दा जो है वहां तक जा रहा है और ये जीत की आशा कर रहे हैं। जब इन्होंने मुद्दा बदला वहां पर अपने चुनाव का, ये माननीय प्रधानमंत्री जी पर कूद पड़े, इनका पूरा जो है एक चेहरा सामने आया जो इनके घोषणा पत्र से स्पष्ट हो गया कि इनको ध्रुवीकरण करना था, इनको तुष्टीकरण करना था, और फिर जब मुस्लिम आरक्षण को लेके इनके नेता ये कहने लगे कि भाई 6%, पहले तो 4% था, अब तो सरकार में आएंगे तो 6% कर देंगे, अब किसका काट के करेंगे ये नहीं पता है, ये तो ये बता भी नहीं पाएंगे कि किसका काटेंगे आप, उसमें बोकालिंगा समाज का काटेंगे कि लिंगायत समाज का काटेंगे कि आप वहां पर आम SC ST वर्ग का काटेंगे। और आप कि इनके नेता ये रहमान से लेके सब लोग कह रहे हैं कि साहब जो है हम तो 6% दे देंगे मुसलमानों को आरक्षण, तो इससे साफ वहां पर समझ आ रहा है कि ये मुद्दों पे लड़ने की स्थिति में नहीं है, ये वहां पर आज भी उसी तुष्टीकरण के खेल से चालू। एक सवाल मेरा, मैं रिपीट भी कर रहा हूं और इसमें एक चीज जोड़ भी रहा हूं, बताइए, मुझे बड़ा आश्चर्य। आप गुजरात का उदाहरण दे रहे थे, येदियुरप्पा जी यूपी का उदाहरण दे रहे हैं, ये गुजरात और यूपी नहीं है, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में कांग्रेस एक बड़ी ताकत है, ये मान लीजिए आप, गुजरात और यूपी के उदाहरण नहीं चलेंगे कर्नाटक में? नहीं तो क्या,
नहीं, मुझे मानक जी बताइए, गुजरात में तो ये लोग साफ साफ, इतनी बड़ी इनकी सेना थी कांग्रेस की, ये तो ये हमें 40 सीट भी नहीं देते थे। आप इनके देखिए, इनके नेताओं के उस समय प्रवक्ताओं से लेके सारे लोगों के बयान सुनिए, ये तो हमें 40 सीट भी देने को राजी नहीं थे गुजरात के अंदर में। ये तो कहते थे कि 140 135 तो हम ही ले आएंगे। तो ये आप यानी बगैर संगठन के कह रहे थे क्या? हवा में बोलती है क्या कांग्रेस? और क्या समझते कि कर्नाटक में हमारे पास संगठन नहीं है? जहां हम लोकसभा में 26 सीटें जीतते हैं, जहां पर कांग्रेस 1-2 सीटों पर टिक जाती है, वहां पर जहां 2018 में हम 104 सीट जीत के आ रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि आप हमसे कहते हैं कि आपका वहां संगठन नहीं है, आपका चला नहीं पा रहे, कांग्रेस भारी है। एक चरणजीत सिंह सापरा एग्जांपल दीजिए ना, चरणजीत सिंह सापरा। और मैं देखिए, तो मुद्दे की बात जी, मैं मुद्दों में एक बात शर्मा जी मैं बोल लूं कि आज के शर्मा अभी टाइम है, इसके बाद एक एक राउंड और लेंगे, तब बोलिएगा, तब पूरी कर लीजिएगा अपनी बात।